हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वुडवर्किंग टिप्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू ट्रैक विंडो कैसे बनाई जाती है। जो एल्यूमिनियम की विंडो होती है, जो स्लाइडिंग विंडो होती है हमारी, वो किस प्रकार बनाई जाती है, इस वीडियो में उसी रिगार्डिंग बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूँ पूरा ईजी वे तरीके से। तो आप मात्र 15 मिनट में सीख सकते हैं ये पूरा। अगर ये वीडियो देख लेते हैं आप तो पूरा कम्प्लीट सीख पाएंगे। तो ये देख लीजिए, मेरे हाथ में ये ट्रैकें हैं। इसको क्या क्या बोला जाता है मैं नाम भी बताऊंगा, प्लस उसका मेज़रमेंट कैसे लेना है वो भी बताऊंगा, कितना प्लस करना है कितना माइनस करता है वो सारा कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, जो हम विंडो बनाने वाले हैं उसकी साइज़ ये होने वाली है। ये आप साइज़ देख लीजिए, इस साइज़ के मैं विंडो बनाऊँगा। लंबाई 47 6 सूत होने वाली है और चौड़ाई इसकी 47 7 सूत होने वाली है। ये सामने मैंने कटिंग करके रखी है। ये ट्रैकें इनका क्या क्या नाम है और कैसे कैसे कटिंग करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, इसको टू ट्रैक बॉटम बोला जाता है, जो कि व्हील बॉटम है। नीचे व्हील चलेगा इसके, इस टाइप की होती है कुछ। और ये एक ही चाहिए विंडो में, एक ही चाहिए। और ये टॉप है, टू ट्रैक टॉप, ये कुछ इस प्रकार होती है। ताकि ये तीन चाहिए, ये हो गई चौड़ाई की जो कि नीचे रहेगी, ये हो गई इसकी चौड़ाई की ऊपर रह गई, और ये दोनों लंबाई की जो हमारे ये दोनों लंबाई इसमें, ये तीनों सेम रहेगी। टू ट्रैक टॉप रहेगी और ये टू ट्रैक बॉटम रहेगी। तो अब मैंने कटिंग कर लिया, इन दोनों को कटिंग कर लिया है चौड़ाई के हिसाब से, और इनको कटिंग कर लिया है लंबाई के हिसाब से। परफेक्ट मैंने अपनी साइज़ के हिसाब से काट लिया। अब यहाँ मैं जो कातरे काटने हैं वो आगे काटेंगे हम। तो दोस्तों आपने देखा मेज़रमेंट कैसे रखना है। मेज़रमेंट हमें चारों एक बार तो परफेक्ट साइज़ से कटिंग कर लेने हैं। ये देख ट्रैक देख लीजिए, ये मैंने पूरा परफेक्ट साइज़ से कटिंग किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर कातरा काटना है, जो किरण भी बोलते हैं हम, कातरा काटना है। तो पहले कातरा काट लेते हैं सबके, चारों के दोनों दोनों साइड कातरा काट लेते हैं पहले। ये देख लीजिए, इस प्रकार हमने कातरे काट लेने हैं। चारों पीस के मैं कातरे पहले कटिंग कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों देख लीजिए, ये हमने चारों पीस के कातरे कंप्लीट काट लिए हैं दोनों साइड। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं कातरे कंप्लीट हो गए हमारे। अब हमें अगला स्टेप के बारे में बात करते हैं। ये लगाना है वूल, जो कि ट्रैक वूल बोला जाता है इसे। अब नज़दीकी से देख लीजिए। सबसे पहले आप एक काम करिए, आप पेन और डायरी ले लीजिए, उसमें नाम लिखते जाइए, क्योंकि इसमें इतने सारे नाम होंगे तो आप भूलते रहेंगे वापस। ये ट्रैक वूल है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे ये देख लीजिए, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ज़रा पास से दिखा दें। सबसे पहले हमें जो ये जो हमारे घिसी है इसमें हम लगाएंगे, ग्रू है जो हमारे, उसमें इस प्रकार लगाना है आपको। ये भी एक ट्रिक है, वरना काफ़ी लोग इसको में घुसा नहीं पाते। बहुत ही मुश्किल काम है ये, और करने वाले के लिए बहुत ही इजी काम है ये। तो इस प्रकार आपको ये चारों में वूल लगाना है। और ये हम वापस इस साइड खींच लेंगे जो हमारा लंबाई है। ये देख लीजिए, ये वूल लग के हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार हमें सारे ट्रैकों में वूल लगा लेना है सबसे पहले। तो हम पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें सारों में मैं वूल लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे। अब हमें ले लेनी है एक बाई एक की एंगल। ये देख लीजिए, ये इस टाइप की एंगल है एक बाई एक की, डायरी में नोट करते रहना आप। और इसे हमें टुकड़े काटने, चार टुकड़े काटने। एक विंडो बना रहे मतलब चारों कोने पर ये टुकड़े लगने वाले, तो चार टुकड़े काटने, सवा दो इंच के काटने आपको, सवा सवा दो इंच के चार टुकड़े काट लेने। पहले मैं टुकड़े काट लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैंने चारों टुकड़े सवा दो इंच लंबाई के चारों टुकड़े काट लिए हैं। अब हमें इन्हें लगाना कैसे है वो हम देखते हैं अब। हाँ तो दोस्तों ये एंगल के चारों टुकड़े ले लिए हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस टाइप से आपको इनको चारों को फिट कर लेना है। कैसे करना है ये, इसको आपको ऐसे रखना है और 1/8 का बीट बिठा लेना है आपको ड्रिल मशीन में। और ये स्क्रू ले लेना है आपको, स्क्रू का साइज़ है 13/8 स्क्रू, पान हेड बोला जाता है इन्हें।
तो ये कैसे लगाना है ये देख लीजिए आप, मैं लगा रहा हूँ। ये देख लीजिए इस प्रकार आपको चारों एंगल कंप्लीट लगा लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लग गया है, यहाँ पे भी लग गया है। अब आपको एक ध्यान और भी रखना है, हमारे पास चार ट्रैक है और हमारे पास एंगल भी चार है, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले ट्रैक को दोनों को लगा देना है और ऊपर वाली को दोनों कोने पे लगा देना है, और साइड वाली खड़ी पे आपको कुछ नहीं करना है, वो फिर इस टाइप से लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो फिर ऐसे लगने वाली है, इसके अंदर इस प्रकार लगेगी। ये देख लीजिए ऐसे लगेगी, फिर हम यहाँ पे वापस स्क्रू से टाइट करेंगे, चारों कोनों पे ऐसे ही करेंगे ताकि हमारी फ्रेम बनके कंप्लीट हो जाएगी। हाँ तो एंगल लग के कंप्लीट हो चुके, अब हमें खड़ी वाली ट्रैके लेनी है और खड़ी वाली ट्रैके इस तरह लगा के आपको होल कर लेना है। हाँ तो चारों को आपको ऐसे ही फिट कर लेना है, पूरी फ्रेम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम पल्ले के बारे में बात करेंगे, पल्ले कैसे कटिंग किए जाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम पल्ले कटिंग करेंगे, पल्ले कटिंग करने के लिए हमें कौन सा माल यूज़ लगेगा ये देख लीजिए। मेरे हाथ में डेढ़ पौने का हैंडल है जो कि इस प्रकार डिज़ाइन होती है उसकी, इसको डेढ़ पौने का हैंडल बोलते हैं। ये ऐसे डेढ़ होता है और ऐसे पौना इंच होता है और ऐसे डेढ़ इंच होता है। इसकी एक चीज़ की और भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, जिसे इंटरलॉक बोला जाता है, ये भी डेढ़ पौना का इंटरलॉक ही है। इसमें ये देख लीजिए इंटरलॉक टाइप ये बीच में रहेगा, ये पल्ले के बीच में लगने वाला है और ये दोनों साइडों में रहेगा, जो कि हमारा जो पुश वाला लॉक लगता है उसमें, तो हैंडल ये साइड में रहेगा और बीच में इंटरलॉक लगेगा। तो सबसे पहले हम इसके मेज़रमेंट की बात करें, तो जैसे मेज़रमेंट है आपको ऐसे करना है, जो भी आपकी विंडो की साइज आ रही है उससे डेढ़ इंच आपको माइनस करके इसकी लंबाई के टुकड़े काट लेने हैं, दो इसके काटने हैं और दो इसके काटने हैं आपको, क्योंकि दो पल्ले बनने वाले हैं, दो पल्ले बनेंगे तो एक पल्ले में एक हैंडल लगेगा और एक इंटरलॉक लगेगा, तो दो ये काट लेने हैं और दो ये काट लेने हैं। डेढ़ इंच हाइट में कम रखना है आपको, जो भी आपकी विंडो की फुल साइज़ है, जैसे कि मेरी साइज़ थी ये वाली देख लीजिए आप, लंबाई क्या आ रही है 47.6 सूत आ रही है, तो मैं इसमें डेढ़ इंच माइनस करके इसकी चारों की लंबाई कंप्लीट कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए हैंडल मैंने दोनों कटिंग कर लिए हैं और दोनों इंटरलॉक कटिंग कर लिए हैं, और आपको इंटरलॉक में आपको एक काम करना है, ये वाले खांचे लगाने, एक एक इंच आपको ये वाली जो हमारी ये वाली जो लॉक है वो वाला काट लेना है आपको, दोनों साइड से काट लेना है, इस साइड से भी काट लेना है और इस साइड से भी काट लेना है आपको। दोनों मैंने इंटरलॉक में दोनों इसके खांचे लगा दिए। अब हमें यहाँ पर जो नीचे ये भाग रहेगा, जिस जो नीचे भाग रहेगा यहाँ पर हमें एक खांचा और लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा ये जो हमारी ट्रैक आती है उसमें जो ये व्हील लगता है यहाँ पे, ये घिसी के थोड़ा अंदर रहेगा, इसके हिसाब से हमको यहाँ पे खांचा लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं खांचा लगा लेता हूँ, आप देख लीजिए उस टाइप का आपको खांचा भी लगाना है। ये देख लीजिए इस प्रकार आपको चारों के खांचे लगाने हैं, एक साइड ही लगाने हैं, नीचे की साइड जो हमारे नीचे नीचे भाग आ रहे हैं वो आपको नीचे नीचे की साइड में चारों के ऐसे खांचे कर देने हैं आपको। ये देखिए चारों खांचे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे जो लंबाई के जो हमारे जो ये पाइप थे जो कंप्लीट कर लिए हमने, अब हम बात करते हैं जो कि आड़े पाइप आते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो कि खड़े पल्ले के जो खड़े जो मटेरियल था ये तो हो गया, जो हमें आड़ा लगता है चौड़ाई वाला, उसको कटिंग कैसे करना, उसकी साइज़ कैसे लेनी है वो भी हम देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, चौड़ाई में हमें लेना है नीचे की साइड में हमें ये व्हील बॉटम लगेगा, जो कि दो पौना का है, इसे दो पौना का व्हील बॉटम बोलते हैं, बेरिंग बॉटम भी बोलते हैं इसको, और
हमें ये ले लेना है एक, और ऊपर की साइड में जो पल्ले के हमें लगने वाला है वो हैंडल ही लगेगा, जो हमारा डेढ़ कोने का हैंडल है वो ही लगने वाला है। तो अब हमें इसकी मेजरमेंट कैसे लेना है, चौड़ाई कैसे निकालनी है, तो ताकि हमें क्या है, सबसे पहले हमें देख लेना है हमारी प्रॉपर पूरी विंडो की चौड़ाई क्या है। 47-7 सूत है तो हमें पूरी एक बार आपको 47-7 सूत पे मार्किंग कर लेना है। ये देख लीजिए 47-7 सूत पे आपको मार्किंग कर लेना है। वहाँ से आपको 6.5 इंच माइनस कर लेना है। मैं 6.5 इंच माइनस करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 6.5। 6.5 माइनस कर लेना है, ट्रैक भी आ गया, उसमें हमारे जो खड़े पाइप आने वाले हैं वो भी माइनस हो गए। तो अब हमें 6.5 इंच माइनस करने के बाद जो हमारी साइज आ रही है 41-3 सूत, अब हमें 41-3 सूत में डिवाइड दो करने हैं। डिवाइड दो करेंगे तो हमारी साइज आएगी 20-6 सूत, तो हमें 20-6 सूत के दो पीस कटिंग कर लेने हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, मैंने चौड़ाई के ये दो बेरिंग बॉटम काट लिए हैं और ये देख लीजिए ये हैंडल कटिंग कर लिए हैं और ये हमारे चारों जो लंबाई वाले थे। तो अब हमें क्या करना है, साइज़ तो आपको पता चली गई है, कितना माइनस करना है कितना प्लस करना है, तो अब हमें इनमें होल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो आपको सेम 1-1 इंच के टुकड़े ले लेने जो हमारे वेस्टेज में ही मिल जाएंगे हमके, और ये 1.5 पुने का हैंडल है और ये बेरिंग बॉटम है। तो हमें क्या करना है, इस टाइप से स्क्रू घुसा के जो हमारी ऊपर की साइड आने वाला है वो इसको इससे मार्किंग कर लेना है। हमें मार्किंग करने के लिए मैंने ये टुकड़ा लिया है ताकि हम क्या बाद में इसे आपको हल्का हल्का आप हथौड़ी से करोगे तो यहाँ पे मार्क हो जाएगा। फिर इसके अंदर होल करना है आपको 4 mm बीट से ऊपर की साइड में ये यूज़ करना है और नीचे की साइड में हमें ये यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो भी दिखा देता हूँ आपको, उल्टा सीधा मत कर देना। जो हमने ये खांचा लगाया था वो ये बड़ा वाला भाग आपको नीचे रखना है क्योंकि हमारा इसमें बेरिंग लगने वाला है। तो हम ये वाला इस साइड रखेंगे और इसी प्रकार स्क्रू से हम यहाँ पे मार्किंग करके मार्क कर लेंगे और 4 mm बीट से होल कर लेंगे। और होल करने के बाद हमें इसे ऐसे फिट करना होगा जो कि ये देख लीजिए 6.5 का स्क्रू है। हम 6.5 के स्क्रू में इसे लगाएंगे तो 1 इंच अंदर इसकी मजबूती रहेगी। तो आपको ये होल करने के बाद इस साइड से हमें नीचे की साइड में ये लगा लेना है और ऊपर की साइड में ये वाला लगा लेना है। तो पहले मैं पूरा पल्ला बना के ही दिखाने वाला हूँ अब आपको। आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे से देखिए, दो बार देखिए वीडियो को, पर लेकिन धीरे से समझिएगा आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी वाला काम है। तो आप इसे 2 बार भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं, जितनी बार वीडियो देखते रहिए तब तक आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए अब मैं पूरे पल्ले कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये फ्रेमिंग बन के कम्प्लीट हो गई है, जो कि मैंने आपको बताया स्टेप बाई स्टेप आपको ऐसे ही करते जाना है। ये फ्रेम हमारी कम्प्लीट हो चुकी है और हमने बात की थी पल्ले के बारे में, और पल्ले भी देख लीजिए ये मैंने कम्प्लीट कर लिए हैं। इस तरीके से आपको स्क्रू लगाने हैं, 6.5 के स्क्रू लगाने हैं, मार्किंग करना, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। और नीचे मैंने बेरिंग नहीं दिखाया था, ये देख लीजिए बेरिंग भी आपको इस प्रकार बेरिंग लगा देने हैं। नीचे बेरिंग बॉटम मैंने बोला था आपको, इस प्रकार आपको बेरिंग 4 बेरिंग लगा देने हैं। एक शटर में 2 बेरिंग लगेंगे। अब देख लीजिए इसमें आपको ये पल्ले रखने कैसे हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैंडल है और ये इंटरलॉक है, इसमें भी ये इंटरलॉक है, ये हैंडल है। तो आपको इंटरलॉक का एक का मुंह इस साइड रखना है और एक का मुंह इस साइड रखना है, आपको इस प्रकार रहेगा ये देख लीजिए, देख सकते हैं आप इस प्रकार रहेगा। आप समझ रहे होंगे कि ये अवर नवर अपन को इसलिए रखने है क्योंकि ये जब इस साइड स्लाइड होगा, इस साइड आएगा तब लॉक हो जाएगा, ये वाला इस साइड स्लाइड होगा तब इस साइड लॉक हो जाएगा। अब मैं इसमें फ्रेमिंग में ये पल्ले लगा लेता हूँ और उससे पहले हम बात करेंगे ग्लास का माप कैसे लेंगे। इसमें ग्लास अलग अलग, वो ग्लास आपकी चॉइस के ऊपर है, ग्लास प्लेन लगाएं या ब्लू लगाएं ब्लैक लगाएं वो आपके ऊपर है। साइज़ कैसे मेजरमेंट लेते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों आपको टेप कैसे पकड़नी है, टेप इसके अंदर नहीं घुसानी है और यहाँ बाहर ही आपको टेप पकड़नी है। और इस साइड देख लीजिए ये मेरी साइज़ क्या आ रही है, अंदर से अंदर आपको साइज़ देख लेना है। लंबाई में भी वही रहेगा और चौड़ाई में भी वही रहेगा। और इसकी मैं चौड़ाई देखूँ तो इसके 20-6 सूत आ रहा है, 20 इंची 6 सूत आ रहा है, तो मैं इसमें 5 सूत प्लस कर लूँगा।
पांच सूत बड़ा काटना है हमें, 25 मतलब अपने आ गया 21, 3 सूत आ गया। अगर अंदर से भी आप पकड़ना चाहें तो आपको माप ऐसे लेना है, अंदर एक साइड अंदर घुसा देना है और इस साइड से यूँ समझ लेना है आपको 1.5 सूत ऊपर चढ़ा लेना है, तो वो का वही रहेगा आपके लिए इजी। इस तरीके से रहेगा कि अंदर से अंदर आप मेज़रमेंट करें और इससे 5 सूत प्लस कर दें। लंबाई में भी यही है और चौड़ाई में भी यही है। चौड़ाई में हम 5 सूत प्लस कर लेंगे और लंबाई की बात करें तो लंबाई में भी हम 5 सूत प्लस कर लेंगे। वही पकड़ने का तरीका वही रहेगा। ये देख लीजिए 42 इंची 6 सूत आ रहा है तो हम 5 सूत प्लस कर लेंगे, इसमें 43 इंची 3 सूत आएगा। ये हमें ग्लास कटिंग कर लेना है, 2 ग्लास कटिंग कर लेना है। हाँ तो दोस्तों अब इसमें ग्लास फिटिंग कैसे किया जाता है। ग्लास आप मैंने जो मेज़रमेंट बताया है उस मेज़रमेंट के हिसाब से आप ग्लास कटिंग कर लेना, और अब इसे फिटिंग कैसे किया जाता है वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन जानकारी एकदम परफेक्ट मिलने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई सी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी देता हूँ मैं आपको। हाँ तो दोस्तों ग्लास का माप कैसे लेना है वो मैंने आपको दिखाई दिया था। अब हमें क्या करना है ये देख लीजिए, मैंने ग्लास का माप से अपने ग्लास कटिंग कर लिए हैं और ये हमें एक बॉर्डर में साइड में हमें ये पीवीसी लगानी होगी। इस पीवीसी को क्या बोलते हैं, अगर हम 3.5 mm का ग्लास लगाना है उसमें तो 3.5 mm की पीवीसी आएगी, और हमें 5 mm का ग्लास लगाना है तो 5 mm की पीवीसी आएगी। पीवीसी अलग अलग mm में आती है, जैसा ग्लास लगा रहे हैं आप वैसी पीवीसी आपको लेनी पड़ेगी। मैं 3.5 mm ग्लास लगा रहा हूँ तो मैंने 3.5 mm पीवीसी ले लिए। पीवीसी आपको कैसे लगानी है, कुछ इस टाइप लगानी है, ये ग्लास ऐसे ले लेना है और पीवीसी ऐसे लेनी है और इस टाइप से आपको इसके साइड में फिटिंग करते रहना है। कोने से आपको थोड़ा सा आधा इंच जैसा छोड़ के आपको ऐसा कट लगा देना है और ऐसे मोड़ लेना है। इस टाइप से चारों साइड आपको पीवीसी घुमा लेनी है। हाँ दोस्तों ये देख लीजिए मैंने चारों तरफ पीवीसी लगा के कंप्लीट कर लिया। आपको भी ऐसे ही पीवीसी लगा के कंप्लीट कर लेनी है। आपको ये हमेशा याद रखना है ग्लास कौन सा ले रहे हैं उसी हिसाब से आपको पीवीसी भी लेनी है। 3.5 mm का ग्लास ले रहे हैं तो 3.5 mm की पीवीसी लेनी है, 5 mm का ग्लास ले रहे हैं तो 5 mm की पीवीसी लेनी है। इस टाइप से आपको पीवीसी लगा लेनी है। अब हमें इसको शटर में फिट कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये मैंने शटर ले लिया है और इसमें ग्लास कैसे फिट किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया था, यहाँ पे दोनों स्क्रू लगाए हैं और यहाँ पे एक स्क्रू लगाया है, एक ये स्क्रू यहाँ पे लगाया है और एक स्क्रू यहाँ पे लगाया है। तो मैं अब इसको L के हिसाब से खोल लूँगा। इस टाइप से आपको खोल लेना है। ये देख लीजिए दोनों L शेप में हो गए हैं। इसे आपको ऐसे लगाना है। ये देख लीजिए ग्लास को नीचे रखने के बाद हमें यहाँ इस साइड से लगा के ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार लगेगा। वापस से हमें ये स्क्रू टाइट कर लेने हैं। हाँ तो दोस्तों ये देख लीजिए ये फ्रेम में ग्लास हमारा कंप्लीट लग चुका है। अब दूसरा शटर है हमारा वो, उसमें भी मैं ग्लास लगा देता हूँ, बाद में आपको दिखाने वाला हूँ उस खिड़की के अंदर पूरा फिट करके
पूरा सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों देख लीजिए, ग्लास लगा के पल्ले मैंने कंप्लीट कर लिए हैं ये वाले शटर, और इस फ्रेम के अंदर भी मैंने घुसा दिए हैं। घुसाने के ये देख लीजिए, यहाँ से मैंने खोल लिए थे दोनों स्क्रू, अंदर घुसाने के बाद वापस ये दो स्क्रू टाइट कर लिए, तो ये देख लीजिए अंदर कंप्लीट से ये पल्ले चल रहे हैं। ये हमारी विंडो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है, देख लीजिए। अब हमारा एक ही काम बाकी है जो कि लॉक लगाना, ये पुश लॉक लगाना। ये देख लीजिए दोनों साइड मैंने खांचे करके रखे हैं। हाँ तो ये लॉक कैसे लगाया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लॉक का मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, लाइक तो कर देना प्लीज़, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है मेरी, पूरा मुझे 2 दिन लगे हैं